देख लो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा राउंड में पूरा बना हुआ है ये मरीन ड्राइव। ये अराउंड 3 किलोमीटर्स के आसपास रेंज में पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बीच यहाँ पर है नरीमन पॉइंट। मरीन ड्राइव नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सब कैसे हो? आज फिर हाजिर है हम एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम आए हैं मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा लास्ट वीक हम गए थे एलिफेंटा, तो आज आए मरीन ड्राइव। तो चलो आओ चलते हैं, यहाँ से आप लोगों को मैं कुछ व्यूज दिखाता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, आओ मेरे साथ। काफ़ी अमेजिंग प्लेस है, यहाँ पर आने का बहुत मन था। यहाँ पर सुकून शांति एकदम साइलेंट पीस के लिए खास करके लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। ये देख लो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा राउंड में पूरा बना हुआ है ये मरीन ड्राइव। ये अराउंड 3 किलोमीटर्स के आसपास रेंज में पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बीच यहाँ पर है नरीमन पॉइंट। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओबरॉय ट्राइडेंट, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। मैंने बोला कि स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप अगर सीधा सीधा आगे जाओगे तो देखोगे गिरगांव चौपाटी तक पूरा ये फैला हुआ बीच है। यहाँ से लेके वहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब आओ और भी देखते हैं, यहाँ की बातें करते हैं। आओ मेरे साथ, थोड़ा लोकेशन का मज़ा लो। और हाँ, चैनल पर आए हो तो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। ये देखो सनसेट, बहुत प्यारा टाइमिंग है सनसेट का। अभी आए हैं यहाँ पे शांति से बैठे हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा थोड़ा व्यू दिखाया, अभी और आगे भी जाना है थोड़ा बैठते। हम लोगों ने सोचा थोड़ा बैठकर यहाँ पर शांति से मौसम को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर लोग अक्सर मतलब 5 o'clock के बाद ही, 5 बजे के बाद ही आपको ज़्यादा क्राउड दिखेगा, दोपहर के टाइम नहीं दिखेगा। क्योंकि सब जॉब पर होते हैं और धूप भी होती है। सबसे बेस्ट टाइम 4 बजे के बाद आइए, एकदम आपको ये अलग ही व्यू दिख रहा है। देख रहे हो पूरा ये पूरा धुआं धुआं दिख रहा है। अभी विंटर का टाइम चालू है, ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। आप भी कभी मुंबई आने का सोच रहे हो तो आइए यहाँ पर। मरीन ड्राइव नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। अभी हम जो है नरीमन पॉइंट पर हैं। एक जो यहाँ से स्टार्ट होता है उसका नाम नरीमन पॉइंट है, और पूरे रोड का जो नाम है मरीन ड्राइव है, और वो लास्ट में जो है वहाँ पर गिरगांव चौपाटी है। जैसा कि आप लोग अगर यहाँ पर आप लोग आने का सोच रहे हो तो आप लोगों को बेस्ट यहाँ पर चरनी रोड स्टेशन उतर सकते हो, या तो फिर मरीन लाइन स्टेशन, ये बेस्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो अभी और क्या, आइए थोड़ा बैठ कर एक टाइम लिफ्ट सी लेते, बैठते सुकून से ऐसा, फिर चलते हैं आगे आप लोगों को दिखाते। दैट्स इट, देखिए टाइम लिप्स से।
टाइप जैसा कि आप लोग देख रहे हो पूरा, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की यहाँ कितना क्राउड होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे भी क्राउड है, ये शाम का टाइम बेस्ट होता है, तो वही सोचकर हम भी शाम में आए थे। बस कुछ लेट हो गया था हम लोग को थोड़ा टाइम आने में, तो थोड़ा व्यू और कैप्चर भी कर पाए, अभी और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को वानखेड़े स्टेडियम भी मिल जाएगा राइट साइड पर, ऐसा ही देख रहे हो वानखेड़े स्टेडियम भी है यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और वहाँ पर बहुत सारी मैचेस भी होती है, IPL और भी मैचेस होती है, तो अभी आओ और आगे भी देखते हैं क्या क्या और है। अब यहाँ पर पीछे कुछ हो रहा है, सॉन्ग आ रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ से लोग आते हैं फ्री टाइम निकाल कर, कुछ सिंगर बनना चाहते हैं जिसको सिंगर का टैलेंट है, वो लोग भी अगर सिंगिंग करते तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आइए देखते हैं वो लोग कुछ सॉन्ग आ रहे हैं तो वहाँ पर सुनते हैं हम लोग, आइए। सॉन्ग भी गाते बहुत से टैलेंट, माँ के मेरी सी तकदीर खराब है, लाइट चली गई। फाइनली हम आ चुके हैं गिरगांव चौपाटी पे, जैसा कि आप लोगों को पीछे का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा गिरगांव चौपाटी का। सॉरी यार थोड़ा नाइट हो गया, अब मैं क्या बोलूँ, हो गए आने में पहले ही थोड़ा लेट, तो इसलिए थोड़ा नाइट है, तो थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए, लाइट है थोड़ा देखकर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा लाइट है, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए देखकर। तो अभी यहाँ पर मेरे पीछे देखोगे आप लोग, यहाँ पर सब खाने पीने के लिए पाव भाजी, सब आइसक्रीम, फालूदा, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा खाने के लिए। ये पूरा गिरगांव चौपाटी है, और रास्ते में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वो मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट चालू है, आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ ब्रिज बनने वाली है, क्योंकि बढ़ते हुए समय के साथ आबादी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मुंबई में ट्रैफिक भी बढ़ रही है, तो इसलिए कुछ नए नए प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं मुंबई में। जो रीज़न यही है कि मतलब जगह नहीं है कहीं से कुछ नया रास्ता निकालने का, तो इसलिए अभी यहाँ पर ऐसा चालू है कि मतलब समंदर के पास से कुछ हो सकता है पॉसिबल, तो वैसा चालू है जैसा कि आप लोगों ने देखा मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट था। तो अभी यहाँ पर आया, यहाँ पर भी पब्लिक काफ़ी क्राउड आता है, बैक कैमरे से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा गिरगांव चौपाटी पूरा मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं कोशिश करूंगा आपको डे की एक फोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये डे में ऐसा दिखता है, नाइट में थोड़ा क्या अभी लेट हो गया, मेरा डे में इरादा था कि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन कोई नहीं, वहीं पर हम लोग को टाइम हो गया, तो हम सब फ्रेंड वहाँ पर मस्ती करने लगे, बैठे फोटो निकाले, वो लोगों को कुछ वीडियो बनाना था तो रील्स बनाने के चक्कर में वहीं हो गया बहुत लेट, तो कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा दिन में भी जगह तो वही है, दिन सिर्फ दिन और शाम का फ़र्क है, मैंने डे की फोटो भी आप लोगों को दिखा दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पहले आ चुके हो तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कैसा है ये जगह, कैसा नहीं है। तो अगर आप लोग कभी विजिट करने आ सोच रहे हो, ये मुंबई एक्सप्लोर सीरीज़ में से ये एक वीडियो है, तो मुंबई की बेस्ट में से बेस्ट जगहों में से भी ये एक बेस्ट जगह है, जैसा कि नरीमन पॉइंट हो गया, गिरगांव चौपाटी हो गया। तो देखा जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ कुछ आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूं, आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हो, या तो मेरा सोशल मीडिया आईडी है, इंस्टा आईडी, FB आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो,
तो चलो चलते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा केयर, जय हिंद।